सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनके इतिहास की जानकारी काफी कम है और वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जबकि भाजपा की विचारधारा पर टिप्पणी करते हुए श्री तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग भारतीय आध्यात्मिक विरासत को कट्टरपंथी विचारों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक गुजरात के मुख्यमंत्री का सवाल है, वो तो कल ये भी कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मृत्यु है वो 1930 में लंदन में हुई है, तो जिस तरह की उनकी इतिहास और भूगोल की जानकारी है, भगवान ही उनका मालिक है। जो भी वो घोषणा करते हैं, ना इतिहास के तथ्यों पर और ना भूगोल के तथ्यों पर वो खरी उतर। मनीष तिवारी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम कल की महोत्सव में सोमवार को बोल रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनको समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार घोषित किया है, उसके बाद इस देश में ना एक अजीब सी दहशत है। तो ये जो माहौल है, इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान को सही रास्ते पे ले जाएं। कल की महोत्सव में पहुंचे मनीष तिवारी ने वहां पर मौजूद संतों से आशीर्वाद लिया और इलाके को पर्यटन स्थल की तरह विकसित करने और संभल से इस इलाके को रेल लाइन से जोड़ने की मांग पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। आरेंद्र प्रताप सिंह, DD News, संभल, उत्तर प्रदेश।